आज की जो टॉपिक है वो हमारे पास जंप और लूप इंस्ट्रक्शंस, ठीक है? जंप और यस सर। लूप इंस्ट्रक्शन इन असेंबली लैंग्वेज। अच्छा जी, पहली जो इंस्ट्रक्शन है हमारे पास वो जंप है, उसको सिंपली हम JMP लिखते हैं। इसी तरह हमारे पास लूप इंस्ट्रक्शन होगी, फिर उसकी एग्जांपल है लूप की, फिर एक एरे को हम सम अप करेंगे, मींस के उसका समीशन निकालेंगे, फिर एक स्ट्रिंग को कॉपी करेंगे दूसरी स्ट्रिंग में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यस सर। लूप। लूप इंस्ट्रक्शन को यूज करते हुए हम ये तमाम चीजें परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं जंप इंस्ट्रक्शन को। जंप इंस्ट्रक्शन जो होती है वो बेसिकली अनकंडीशनल जंप होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि दो तरह के लेबल होते हैं, डाटा लेबल और कोड लेबल। कोड लेबल वो होते हैं जो कि आप कोड सेक्शन में मेंशन करते हैं, और उसको लिखा कैसे जाता है, आपने लेबल नेम लिखना होता है और उसके बाद कॉलन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप कॉलन, तो ये एक लेबल है। इसके अंडर जितनी भी आप इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो इस लेबल का हिस्सा होंगी, यानी वो इस लेबल से एसोसिएट करेंगी। इंस्ट्रक्शन का भी आपने सिंटैक्स देखा था, तो इंस्ट्रक्शन के सिंटैक्स में सबसे पहले लेबल है जो कि ऑप्शनल होता है, उसके बाद न्यूमोनिक, फिर ऑपरेंड लिस्ट और फिर कमेंट्स। तो ये जो लेबल है बेसिकली ऑप्शनल होते हैं, लेकिन इनकी ज़रूरत कब पेश आती है, जब आपने ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट या आपने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बनाना है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट का एक ब्लॉक बनाना है, तो उसको एक लेबल असाइन करते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, एक लेबल असाइन करते हैं। तो जब आपने फौरी तौर पर किसी लेबल को एग्जीक्यूट करवाना है, मींस के एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाना है, तो आपको जंप करवाना पड़ता है कंट्रोल को उस लेबल पर। मतलब एक से ज्यादा स्टेटमेंट आपके पास इफ के अंदर हो सकती हैं, एल्स के अंदर हो सकती हैं, लूप के अंदर हो सकती हैं, फंक्शन के अंदर हो सकती हैं, तो वो आपको लेबल लगाना पड़ता है उसके ऊपर। तो जब आप लेबल असाइन करेंगे तो लेबल के बिहाफ पर आप कभी भी किसी भी लेबल पर जंप करवा सकते हैं, और उस लेबल के साथ जितनी भी इंस्ट्रक्शन एसोसिएट होंगी वो तमाम की तमाम वन बाय वन एग्जीक्यूट होती रहेंगी। क्लियर? यस सर। तो अभी हम देखेंगे भी इसको, हम इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे चीजों को। क्वेश्चन है किसी का? नो सर। नेक्स्ट वन है लूप इंस्ट्रक्शन। लूप इंस्ट्रक्शन बेसिकली हम लूपिंग में यूज करते हैं। जब भी हमें एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करवानी है, तो आपको लूप की जरूरत होती है। मींस कि आपने एक सिंगल स्टेटमेंट को या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को टिपिकल या पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स आपने उसको एग्जीक्यूट करवाना है, तो आपने लूप यूज करना है। जो लूप का सिंटैक्स है और जंप का सिंटैक्स तकरीबन सेम है। अगर आप प्रीवियस स्लाइड पे देखें तो ये सिंटैक्स देखें, जंप और टारगेट, टारगेट से मुराद लेबल, ठीक है, और उसका एड्रेस यहाँ पे EIP में होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में जंप टॉप, तो कंट्रोल डायरेक्ट टॉप पे जाएगा। क्लियर? इसी तरह अगर आप लूप का सिंटैक्स देखें तो लूप के सिंटैक्स में भी लूप और टारगेट है, ठीक है, टारगेट भी एक लेबल नेम होगा। क्लियर? यस सर। टारगेट भी एक लेबल नेम होगा। अच्छा, इसी तरह आपके पास जब लूप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, कंट्रोल लूप पर आता है यानी इस इंस्ट्रक्शन पर आता है, तो सबसे पहले इसने क्या करना होता है, ECX में जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसमें 1 का डिक्रीमेंट कर देगा। ECX में जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसमें 1 का डिक्रीमेंट होगा। कौन करेगा? इस लूप के ऊपर कंट्रोल आने से। और उसके बाद नेक्स्ट वन, ECX की वैल्यू चेक की जाती है, क्या वो जीरो तो नहीं है? अगर तो जीरो है तो लूप टर्मिनेट होगा, अगर जीरो नहीं है तो जंप होगा टारगेट पर, मतलब उसी लेबल पर जिस लेबल का आपने नाम लिखा होगा, कंट्रोल उस लेबल पर जंप कर जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। यस सर। यहाँ पर किसी को इस सिंटैक्स में कोई क्वेश्चन या इस पॉइंट में कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है कोई? नो सर।
किसी और को? आयशा, आमना, अली, आप लोगों को? कोई क्यूरी नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं? अच्छा, मैं रैंडमली किसी से पूछता हूं कि मैंने शहजाद आपने बताना है मुझे, लूप इंस्ट्रक्शन पर जब कंट्रोल आता है तो क्या होता है? माइक ओपन करके, माइक ओपन करके आपने बोलना है। एक तो मुझे आइडिया होगा कि आप क्लास अटेंड कर रहे हैं या जस्ट प्रेजेंट हैं यहाँ पे। सर आपने बताया कि ECX में 1 का डिक्रीमेंट लूप सेक्शन में करते हैं। आवाज आपकी बहुत कम है, थोड़ा सा ऊंचा बोलें। सर आपने बताया कि लूप इंस्ट्रक्शन में जो है ना ये ECX है, इसमें 1 का डिक्रीमेंट करते हैं। तो सर वो दूसरा जो आपने बताया ना ECX है, वो 0 और जंप टू टारगेट, सर ये रिपीट कर दें इसकी समझ लगी। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जब कंट्रोल लूप स्टेटमेंट पर आता है, जब कंट्रोल लूप स्टेटमेंट पर आता है दो किस्म के एक्शन परफॉर्म होते हैं, ठीक है। पहला एक्शन ये होता है कि ECX में जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसमें 1 का डिक्रीमेंट होगा, यानी उसमें 1 की कमी हो जाएगी। अगर ECX में 5 है तो लूप पर कंट्रोल जैसे ही आएगा तो ECX में क्या रह जाएगा? 4। यहाँ पे ये देखा जाता है कि ECX की वैल्यू 0 तो नहीं है। अगर ECX की वैल्यू 0 है तो लूप आपका टर्मिनेट होगा। C++ में आपने ये देखा था कि लूप आपका टर्मिनेट कब होता है? जब कंडीशन फॉल्स होती है, ऐसा ही है जी सर। अब यहाँ पे अगर इसमें वैल्यू मतलब अननिशियलाइज हो, डी ना हो, तो फिर उसमें वो क्या? लाजमी तौर पर ECX यूज होता है तो ECX में आपके पास नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए। आपको पता है आपने लूप चलाना है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपने चलाना है, तो आपको ECX को वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट कोई भी गार्बेज वैल्यू यूज हो सकती है। जी सर, ठीक है। तो ECX में 1 का डिक्रीमेंट होने के बाद ECX को चेक किया जाएगा 0 के साथ, क्या वो 0 तो नहीं है। अगर 0 है तो लूप ने टर्मिनेट होना है, अगर 0 नहीं है तो लूप दोबारा एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा, इटरेशन परफॉर्म करेगा। क्लियर सर? जितनी देर तक ये 0 नहीं आ जाएगा उतनी देर तक ये चलता रहेगा, आइट्रेशन परफॉर्म करेगा। जी सर, सब जब 0 आ जाएगा फिर ये क्लियर है। हाँ, फिर ये टर्मिनेट होगा, लूप रुक जाएगा। अच्छा, ये हमने जब रजिस्टर्स पढ़े थे तो ECX रजिस्टर के बारे में मैंने बताया था, काउंटर रजिस्टर होता है या लूप काउंटर इसको बोलते हैं, बताया था। यस सर, यस सर। तो लूप काउंटर से मुराद ये है कि लूप काउंटर को पता होना चाहिए कि लूप ने कितनी बार एग्जीक्यूट होना है, कितनी बार आइट्रेशन परफॉर्म करनी है। क्लियर? यस सर। तो अगर आपको पता है कि आपने एक एग्जीक्यूशन परफॉर्म करवानी है, एक स्टेटमेंट की या सेट ऑफ स्टेटमेंट की, 10 टाइम आपने करवानी है एग्जीक्यूशन, तो मुबशर आपने मुझे बताना है कि ECX में क्या वैल्यू होगी। सर ECX में तो वो 9 आ जाएगी ना, 1 का डिक्रीमेंट होगा। मुबशर बोल रहे हैं या कोई और है? अच्छा जी, सॉरी सर, वो मुबशर। हाँ जी मुबशर, रिजवान आप बताएं। I'm sorry sir, मैंने ज्वाइन लेट किया, मुझे क्लियर समझ ही नहीं आई सर। अच्छा, आयशा आप बताएं, आयशा सदीका। आयशा आप प्रेजेंट हैं?
इसका मतलब जस्ट प्रेजेंट है और कहीं और किचन में काम कर रही होंगी ऐसे लॉजिकली इधर हैं फिजिकली उधर हैं यस चले अच्छा जी ईसीएक्स में अगर आपको पता है क्या सर जी ईसीएक्स में सर 10 होगा 10 होगा क्योंकि आपको पता है कि आपने 10 टाइम एग्जीक्यूशन परफॉर्म करवानी है अगर मीनवाइल आपने ये बताना है कि मीनवाइल अगर उसमें डिक्रीमेंट आप खुद से भी कर रहे हैं एक तो ये ऑटोमेटिक डिक्रीमेंट हो रहा है ना लूप के बिहाफ पर अगर आप लूप इस इंस्ट्रक्शन से पहले ईसीएक्स में डिक्रीमेंट कर रहे हैं या ईसीएक्स में ऐसी वैल्यू है जो कि जीरो से नीचे है मतलब माइनस में है ठीक है तो फिर इसने क्या करना है फिर इसने डिक्रीमेंट उसमें करना है तो माइनस में ही रहेगा तो क्या उसको कभी ईसीएक्स में जीरो मिलेगा नो सर मिलेगा ही नहीं जीरो जब मिलेगा ही नहीं जीरो तो वो लूप चलता रहेगा या रुक जाएगा चलता रहेगा ये माइनस में चलेगा फिर चलता रहेगा बिल्कुल चलता रहेगा ईसीएक्स की 4 बाइट होते हैं ना ईसीएक्स में 4 बाइट होते हैं तो ये माइनस साइड पे ये रनिंग में रहेगा मींस कि ये 4 बाइट टाइप ये रन होता रहेगा एग्जीक्यूट होता रहेगा जिसको आप इनफिनिट लूप कह सकते हैं दूसरे लफ्जों में लेकिन इनफिनिटी होगा वो उसकी रेंज के मुताबिक होगा सर अगर इधर इसकी जीरो वैल्यू के बजाय वो माइनस वाली वैल्यू रख दी जाए शुरू में नहीं नीचे यहाँ पे यस सर ये हमने नहीं रखनी ये ऑटोमेटिक प्री डिफाइन है लूप स्टेटमेंट की बिहाफ पर असेंबलर को प्री डिफाइन है जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है ना यस सर इंस्ट्रक्शन सेट में इंफॉर्मेशन जब कंपाइलर बनाया जाता है असेंबलर बनाया जाता है तो उसको प्री डिफाइन चीजें बताई जाती हैं कि इसका ये मतलब होगा तो ये जीरो इनिशियली पहले से डिफाइन किया हुआ है उसे ओके सर ठीक है अब यहाँ पे देखें एक 5 से लेकर 1 तक यानी 5 से लेकर 1 तक इन सब को आपने सम अप करना है यूजिंग लूप तो सबसे पहले यहाँ पे देखें ax में 0 प्लेस किया है ax में सम कैलकुलेट कर रहे हैं और ecx में कितना रखा है जितनी वैल्यूज हैं कितनी वैल्यूज हैं 5 तो ecx में 5 अब लेबल क्या है आपके पास जिस उस लूप का ब्लॉक बनाने के लिए आपने क्या किया एक लेबल लगाया उसके अंदर आपने सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखी है एड ax कॉमा cx cx की वैल्यू क्या होगी 5 ecx है ना 32 बिट का 4 बाइट का उसमें वैल्यू आपने रखी है 5 तो उसके पहले बाइट में भी आ सकती है 5 दूसरे बाइट में भी कंसीडर हो सकती है क्योंकि ax में आप ऐड कर रहे हैं तो ax में ऐड करने का मतलब ये है आप उसके अंदर 2 बाइट का डाटा आप प्लेस कर सकते हैं तो यहाँ से ecx से cx उठा लिया उसमें भी 5 है अगर cl लिखते तब भी 5 ही होना था ch लिखते तब भी 5 होना था लेकिन यहाँ फिर al यूज करना पड़ता था फिर आपको अब ax यूज किया है तो cx यहाँ भी यूज किया है इस तरह से 5 इसमें प्लेस हो गया ax में 0 था और 5 उसमें ऐड हुआ तो 5 ही रहा ऐड कर रहे हैं ना उसके बाद लूप अब कंट्रोल आएगा यहाँ पे लूप इंस्ट्रक्शन पे तो इसने क्या करना है फौरी तौर पर ecx में 1 का डिक्रीमेंट 1 का डिक्रीमेंट करना है तो ecx में कितना होगा 4 4 क्या 4 0 के इक्वल है नो सर जब इक्वल नहीं है 0 के तो जंप करेगा लेबल 1 पे लेबल 1 ये है और इसके अंदर स्टेटमेंट कौन सी है वही ऐड ax में आपके पास 5 था और cx में 4 4 5 प्लस 4 9 9 इसमें आ गया ax में दोबारा लूप पर आया तो cx में ecx में डिक्रीमेंट हुआ 3 हो गया तो दोबारा 3 0 के इक्वल नहीं है तो फिर क्या होगा l1 पर जंप होगा लूप अपनी आइट्रेशन परफॉर्म करेगा ठीक है लूप अपनी आइट्रेशन परफॉर्म करेगा तो सर आप इसी एग्जांपल में अगर माइनस में करते हैं हमें किसमें क्या माइनस करना है सर जैसे आपने बोला है ना कि जैसे माइनस माइनस अगर वैल्यू हो तो उसमें डिक्रीमेंट ही होगा मतलब माइनस 2 हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा आप ऐसे करते हैं हम एग्जांपल में
आप ये करना चाह रहे हैं इसमें माइनस करना चाह रहे हैं जी सर, यानी 5 माइनस 4 माइनस ऐसे करना चाह रहे हैं ना, तो वो माइनस में आंसर आएगा, वो तो ax में आंसर आ रहा है ना। आप यहाँ पे सब लिख दें, ऐड की जगह सब लिख दें, नहीं समझ आई सर? कंफ्यूजन है अभी थोड़ी सी माइनस में। भाई लूप ने सिर्फ डिक्रीमेंट करना है, वो बाय डिफॉल्ट डिक्रीमेंट हो रहा है, आपने नहीं उसमें cx में करना है। सर अगर हम माइनस में, सर अगर हम माइनस में करते हैं तो हमारा रिजल्ट ax में अगर जीरो आता है तो वो टर्मिनेट नहीं हो जाएगा सर? अगर मतलब माइनस वन से पहले जीरो आ जाए आंसर तो फिर टर्मिनेट होगा कि नहीं? मेरी बात सुनो, हमने सिंटैक्स अभी गौर से नहीं देखा गालबन आप लोगों ने, मैंने सिंटैक्स में आपको ये शो करवाया था ECX जीरो ना हो, AX की बात नहीं हो रही, ECX की बात हो रही। मैं दोबारा उस स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ, ये देखें ECX लिखा हुआ है जी सर, आप समझ जाइए AX नहीं है वहां पे, EAX नहीं है, ECX है जी सर। तो AX में जो मर्जी आंसर आए उसको कंसर्न नहीं है, इसने देखना किसको, ECX को देखना है, ठीक है? यस सर। तो इस तरह से लूप ये 5 टाइम रन होगा और AX में आपका आंसर होगा, एडिशन होके आंसर आपका AX में आ चुका होगा, ठीक है? अच्छा जी, इसको हाँ यहाँ पे देखें, मूव AX कॉमा 6, AX में अब क्या है 6, ECX में 4 है, 4 क्यों दिए है? इसका मतलब लूप को हमने 4 टाइम रन करना है, 4 टाइम एग्जीक्यूट करना है। तो L1 colon inc AX, AX में क्या था पहले? AX में 6 था, इधर 7 हो गया सर, 7 हो गया, फिर यहाँ पे लूप L1, लूप में क्या करना है? 3 हो जाएगा सर, ECX में 3 कर देगा, ECX में 3 हो गया, 3 0 के इक्वल है? नो सर, नो सर, फिर ये L1 पे जाएगा, तो ECX में सर, सर अगर ECX में माइनस 4 हो तो यार माइनस 4 होगा तो लूप टर्मिनेट होगा ही नहीं सर, यही मैं पहले पूछ रहा था कि आपने बोला था कि अगर माइनस में होना वैल्यू तो मतलब डिक्रीमेंट होता जाएगा, लूप चलती जाएगी। आप AX को मिक्स कर रहे थे ना, मैंने इसलिए आपको दोबारा से स्लाइड दिखाई थी। अगर आप शुरू में यहाँ पे माइनस 4 लिख देते हैं तो इट मीन्स कि आपका यहाँ पे जब कंट्रोल आएगा, लूप के ऊपर कंट्रोल आएगा, तो इसने माइनस 5 कर देना है इसको जी सर, वही मैं कह रहा हूँ, ऐसे लूप चलती जाएगी, जीरो का इक्वल नहीं होगा तो ये लूप टर्मिनेट नहीं होगा और ये चलता जाएगा जी सर, ठीक है? तो 4 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू का मतलब आपने उतने नंबर ऑफ टाइम्स आपने आइट्रेशन परफॉर्म करनी है, ठीक है? यानी 4 टाइम आपकी आइट्रेशन परफॉर्म होगी। अच्छा यहाँ पे आपके पास 7 था, 7 आ गया, उसके बाद यहाँ पे 3 हो गया ECX में, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, दोबारा लूप चलेगा, फिर इंक्रीमेंट हुआ 8 और यहाँ पे ECX में 2 हो गया, फिर वो 0 से कंपेयर होगा, 0 नहीं है, फिर जंप होगा, फिर ये 9 होगा और यहाँ पे ECX होगा 1 और फिर वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, फिर जंप होगा और उसके बाद ECX इंक्रीमेंट होगा AX में 10 यानी 1 हो गया और यहाँ पे ECX 0 हो गया, 0 0 से मैच कर गया और ये लूप टर्मिनेट होगा, तो इसका आउटपुट AX में 10 है। क्लियर? यस सर, क्लियर। अब यहाँ पे देखें उसी स्टेटमेंट को लेके चले हैं, लेकिन ECX में शुरू में ही 0 प्लेस कर दिया, जब 0 प्लेस कर दिया इसका मतलब क्या हुआ, इसने जब यहाँ पे आएगा तो लूप टर्मिनेट हो जाएगी। टर्मिनेट कैसे होगा भाई, ECX में 1 का डिक्रीमेंट होगा, 0 माइनस 1 माइनस 1 जो कि 0 नहीं है, तो ये लूप चलता रहेगा, कितने बार चलेगा, क्योंकि ये 4 बाइट का है तो ये इतनी वैल्यू 4,29,49,67,296 टाइम्स ये एग्जीक्यूट होगा, उसकी वैल्यू माइनस से चलती जाएगी ना। यस सर, ठीक है ना, क्लियर है सबको? यस सर।
और लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं या सारे ही किचन में हैं? यस सर, क्लियर है। नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास नेस्टेड लूप है। नेस्टेड लूप क्या होता है? लूप विद इन लूप, ठीक है, लूप विद इन लूप। अब आपको पता है कि हमारे पास लूप के लिए एक ही स्टेटमेंट है, लूप, ठीक है, लूप के लिए एक ही स्टेटमेंट है। अब आपके पास आउटर लूप है या इनर लूप है, तो लूप ने इस्तेमाल होना है, ठीक है, लूप स्टेटमेंट ने इस्तेमाल होना है। यहाँ पे देखें, ये इनर लूप का लूप है और ये आउटर लूप का लूप है। अब लूप जब इस्तेमाल होता है तो लूप पर जब कंट्रोल आता है तो डिक्रीमेंट किसमें होता है? ECX में होता है सर, ECX में होता है। तो इसका मतलब अगर आपने दो लूप को नेस्ट किया हुआ है, दो लूप को नेस्ट करना है, तो आउटर लूप के लिए भी ECX चाहिए, इनर लूप के लिए भी ECX चाहिए, ऐसा ही है? यस सर। फिर जो आउटर लूप है सर, उसके लिए उसका जो ECX की वैल्यू हम टेंप में रख देंगे, जैसे ही हम इनर लूप से बाहर जाएंगे दोबारा वो वैल्यू हम ECX को देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी लोगों को समझ आई शाहरुख की बात? यस सर, आ गई समझ। तो यहाँ पे देखें, उसी तरह से एक लूप है, आउटर लूप के लिए ECX में वैल्यू रखी हुई है 100, ठीक है, यानी ये 100 टाइम आउटर लूप ने रन होना है, एग्जीक्यूट होना है। और उसमें देखें, काउंट एक वेरिएबल है, अनइनिशियलाइज है, और उसमें काउंट में ECX प्लेस किया गया है। ECX में क्या है? 100, यानी एक टेम्परेरी वेरिएबल एक किया गया है। इनर लूप को चलाने से पहले हमने आउटर लूप के ECX को सेव किया, टेम्परेरी वेरिएबल में सेव किया। फिर इनर लूप को मैंने 20 टाइम अगर रन करना है तो ECX में 20 प्लेस कर देता हूँ। अब ECX मेरे पास रीयूज हो सकता है, जब रीयूज हो सकता है तो मैं इसको अपने लूप के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। इनर लूप के में इस्तेमाल कर रहा हूँ, और जब इनर लूप से बाहर निकलूंगा तो जो जहाँ पे मैंने आउटर लूप का ECX प्लेस किया था, सेव किया था, उसको दोबारा ECX में प्लेस कर देता हूँ और लूप स्टेटमेंट लगा के उसके आउटर लूप की एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर देते हैं, ठीक है, क्लियर है? यस सर, सबको किसी का कोई क्वेश्चन हो? नो सर। यहां पे देखें, एक एरे है, इंटीजर टाइप की एरे, उसके तमाम एलिमेंट का सम निकालना है, एक प्रोग्राम बना हुआ है, इंट एरे उसका नाम है, वर्ड टाइप की है, और उसमें ये वैल्यूज पड़ी हुई है। सबसे पहले देखें, ईडीआई में ऑफसेट हमने पिक किया, इंट एरे, यानी एरे का एड्रेस पिक कर लिया। और इसमें कितने एलिमेंट है? लेंथ ऑफ ऑपरेटर से हमने ECX में दे दिया, यानी हमने लूप चलाना है ना, उतने नंबर ऑफ टाइम चलाना होता है जितनी एरे का साइज होता है। यस सर। तो हमने लेंथ ऑफ से एरे का साइज पिक कर लिया, मींस के एरे के नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लिया और दिए ECX को दिए। हमें पता लग गया कि ECX में जितनी भी वैल्यू होगी उतने टाइम आपका लूप एग्जीक्यूट होगा। और AX में जीरो इसलिए दिया क्योंकि AX में आपने क्या कैलकुलेट करना है? सम आपने कैलकुलेट करना है ना। यस सर। तो यहाँ पे लेबल है, एड लेबल में कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, लेबल एक कीवर्ड है, खाली लेबल नहीं लिखते, लेबल के साथ आप कुछ भी लिख दें, आप कोई भी नाम यहाँ पे लिख के कॉलन आपने लगाना। तो ईडीआई के पास पहला एड्रेस है, और डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज करते हुए हम उसकी वैल्यू पिक करेंगे, ऐड करें AX में। AX में क्या है? जीरो। जीरो में ऐड क्या होगा? 100H, ठीक है। और उसके बाद ऐड ईडीआई। अब ईडीआई को आगे मूव कर रहे हैं, कितना आगे मूव करना है? दो बाइट आगे मूव करना है ना। तो दो बाइट, यहाँ तो यहाँ पे लिखें ऐड ईडीआई टू, अगर ये आपने नहीं लिखना तो आप ये लिख सकते हैं टाइप इंट एरे, कि आपको ये नहीं पता कि इस एरे को हर वैल्यू को कितने बाइट मेमोरी मिली है,
तो उसके लिए आपको टाइप ऑपरेटर आपने यूज किया था, तो टाइप ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए आप हर एलिमेंट की टाइप आप पिक कर सकते हैं कि नंबर ऑफ बाइट कितने उसको मिले, उतने ही नंबर ऑफ बाइट आगे मूव करना है, ठीक है। तो फिर लूप L1 इस तरह से, फिर आपका लूप ECX में 1 का डिक्रीमेंट करेगा और चेक करेगा 0 के साथ, अगर तो वो 0 है तो टर्मिनेट होगा, अगर 0 नहीं है तो दोबारा आइट्रेशन परफॉर्म होगी। इस तरह से 1x1 एड्रेस में इंक्रीमेंट होता जाएगा, 2-2 का वर्ड टाइप का, और वो वैल्यू पिक होगी और ऐड होगी। इस तरह से लूप जैसे टर्मिनेट होगा उसके बाद AX में आपका आंसर होगा। क्लियर? यस सर। ये जो लेबल के बाद ऐड AX के बाद EDI इसके से जो साथ ब्रैकेट्स लगी हुई है, सर सिंटैक्स है ना, अगर ब्रैकेट्स नहीं लगाते तो एरर शो करेगा ना? हाँ जी, वो एरर शो नहीं करेगा, वो एड्रेस पिक करेगा। अगर हम ब्रैकेट मतलब नहीं यूज करते तो एड्रेस शो कर देगा ना? एड्रेस ऐड करेगा उसमें, ऐड कर देगा। जी सर, क्योंकि ऐड हम करवा रहे हैं ना, ऐड कीवर्ड लिखा हुआ है। जी सर, वो आपका आंसर सही नहीं होगा फिर। जी सर, और किसी का क्वेश्चन है? क्वेश्चन? नो सर। अच्छा जी, अब यहाँ पे वो कहता है जी आपकी बारी है जी, व्हाट चेंजेस वुड यू मेक टू प्रोग्राम ऑन द प्रीवियस स्लाइड इफ यू वर समिंग अ डबल वर्ड एरे, यानी आप इस प्रोग्राम में क्या चेंज लेके आएंगे अगर यहाँ पे डी वर्ड लिख दिया जाए, बताएं क्या करेंगे? अगर मैं इंट एरे डी वर्ड टाइप की लिख देता हूं तो मुझे इस पूरे प्रोग्राम में क्या चेंज करना पड़ेगा? बताएं बताएं, सोच के बता दें। सर अगर चेंज करना हो तो सर सिर्फ हम AX का ECX रजिस्टर यूज करेंगे सर, क्योंकि वो 32 बिट का होगा। क्या यूज करेंगे दोबारा बोलें? AX की है सर, EAX सर यूज करेंगे रजिस्टर। जी बिल्कुल, EAX यूज करेंगे, ECX तो ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहा है ना। यस सर, आपने सर, सम कैलकुलेट किया सर, तो वो आपका जो सम है वो 32 बिट की वैल्यू होगी तो EAX में प्लेस होनी चाहिए, तो यहाँ पे EAX और इधर भी EAX यूज करना पड़ेगा, बाकी तकरीबन ठीक है। टाइप की वजह से अगर टाइप ना लिखी होती तो यहाँ पे 2 लिखा होता, फिर आपको 4 करना पड़ता। इस टाइप ने क्या करना है, इस टाइप के मुताबिक जितना भी इंक्रीमेंट करना है उतनी वैल्यू उतने बाइट वो पिक कर लेगा। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे देखें एक और एग्जांपल है, इस एग्जांपल में एक स्ट्रिंग को कॉपी करना है, सोर्स स्ट्रिंग है, उसमें लिखा है दिस इज अ सोर्स स्ट्रिंग, और उसके बाद आपने इस टारगेट स्ट्रिंग में आपने कॉपी करना है। अच्छा, आपने यूजर से लेनी है या आपने किसी और स्ट्रिंग से आपने डेटा पिक करना है, तो आपको एक स्ट्रिंग और चाहिए उतने ही साइज की, ऐसे ही है ना? तो यहाँ पे जितने बाइट इस स्ट्रिंग को, सोर्स स्ट्रिंग को मिले उतने बाइट की टारगेट स्ट्रिंग क्रिएट करनी है। तो कैसे क्रिएट करेंगे? टारगेट उसका नाम रखा है, बाइट उसकी टाइप है, साइज ऑफ सोर्स, साइज ऑफ सोर्स का मतलब ये है कि इसको जितने बाइट एलोकेट हुए हैं या जितने करेक्टर इसके पास हैं वो सारे के सारी लेंथ इस टारगेट की हो गई, और डुप जीरो का मतलब उसको इनिशियलाइज कर दिया जीरो से। आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लिख सकते हैं। यस सर। क्लियर सबको? यस सर। अच्छा यहाँ पे देखें, आपके पास ESI में 0 है और ECX में साइज ऑफ सोर्स, साइज ऑफ समराज उसकी लेंथ ऑफ ही है, क्योंकि लेंथ ऑफ मल्टीप्लाई बाय टाइप साइज ऑफ होता है ना, तो टाइप उसकी बाइट है, 1 मल्टीप्लाई होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो जितने करेक्टर है उतने ही यहाँ पे ECX में प्लेस हो जाएंगे। क्लियर? यस सर। अच्छा, उसके बाद AL में सोर्स ऑफ ESI, अब ये कौन सा फॉर्मेट है?
सर ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंडेक्स फॉर्मेट है यार भूल गए हैं यस सर इंडेक्स फॉर्मेट है यानी ऐसे नहीं लिखते रहे एरे ऑफ आई यस सर एरे ऑफ जीरो एरे ऑफ फाइव ये बन गया ना सोर्स ऑफ जीरो सोर्स का एड्रेस इनटू जीरो और ये किसके इक्वल होता है सोर्स एड्रेस प्लस जीरो यानी पहले बाइट की जो वैल्यू है वो एएल में चली गई ठीक है और एएल को आपने कॉपी कर दिया टारगेट के पहले बाइट पर यानी यहाँ पे इस टारगेट के अंदर टी यहाँ पे प्लेस हो गया है इसके अंदर और इंक्रीमेंट कर दिया ईएसआई में वन का फिर सोर्स प्लस वन होगा ठीक है इसी तरह टारगेट प्लस वन तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉपी होते जा रहे हैं ऐसे ही क्लियर सोर्स से एक करेक्टर पिक किया टारगेट में प्लेस कर दिया और ईएसआई में इंक्रीमेंट करने का मतलब यह है कि दोनों के लिए एक एक बाइट आगे मूव होते जा रहे हैं ठीक है अब यहाँ पे वो कहते हैं रीराइट द प्रोग्राम शोन इन द प्रीवियस स्लाइड यूजिंग इनडायरेक्ट एड्रेसिंग रादर देन इंडेक्स एड्रेसिंग अभी मैंने बात की थी इंडेक्स पैटर्न था अब आपने कौन से फॉर्मेट में यूज करना है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग इनडायरेक्ट कैसे करेंगे सर ये जो उधर सर प्लस का निशान आएगा सर प्लस ईसीएसआई से इनडायरेक्ट सोर्स और टारगेट इस तरह से यूज नहीं होगी जैसे यहाँ पे नाम यूज हो रहे हैं ना सोर्स भी यूज हो रहा है टारगेट भी यूज हो रहा है वहां पे कैसे करेंगे इनडायरेक्ट सर इनडायरेक्ट में हम ये वैल्यू किसी रजिस्टर को पास करके उसके थ्रू कर सकते हैं उसका एड्रेस किसी और रजिस्टर को देंगे मतलब सोर्स का एड्रेस जो है वो ईएसआई को दे दें और टारगेट का एड्रेस ईडीआई को दे दें यानी यहाँ पे आप क्या लिखेंगे ऑफसेट सोर्स और मूव ईडीआई कॉमा ऑफसेट टारगेट क्लियर यस सर फिर उसके भी आप पर यहाँ पे लॉजिक आपका ईएसआई और ईडीआई के भी आप पर डेवलप होता जाएगा यानी ईएसआई से आपने वैल्यू पिक करनी है आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे सिर्फ ईएसआई और ब्रैकेट लिखेंगे एएल में चली गई और इसी तरह से आप ईडीआई ब्रैकेट के साथ कॉमा एएल लिखेंगे और यहाँ पे ये टारगेट खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट वन इंक्रीमेंट ईएसआई कॉमा यानी न्यू लाइन इंक्रीमेंट ईडीआई सर ईडीएक्स भी यूज कर सकते हैं EDX जनरल आप यूज कर सकते हैं लेकिन मोस्टली हम एड्रेसेस के साथ EDI या ESI यूज करते हैं जैसे मैंने आपको बताया था एक्सटेंडेड सोर्स इंडेक्स और एक्सटेंडेड डेस्टिनेशन इंडेक्स क्योंकि जब आप डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन आप परफॉर्म कर रहे होते हैं ना तो वहां पे उसका कुछ हिस्सा EDX में चला जाता है या रिमाइंडर वगैरह EDX में चला जाता है या मल्टीप्लिकेशन आपने की है कोई चार चार बाइट की दो आपने मल्टीप्लाई किए मतलब ई ए एक्स को मल्टीप्लाई किया ई बी एक्स को चार चार बाइट के है ना तो आंसर कितने बाइट का आएगा आठ बाइट का यस सर चार बाइट को चार बाइट से मल्टीप्लाई करें तो मैक्सिमम वैल्यू आठ बाइट की आएगी तो ई ए एक्स में तो वैल्यू आएगी चार बाइट की और बाकी चार बाइट के जाएंगे वो ई डी एक्स में चले जाएंगे खुद ब खुद इसलिए हम ESI और EDI यूज करेंगे यहाँ पे क्लियर yes, sir. एक मिनट है हमारे पास और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो इसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे लूप को इम्प्लीमेंट करेंगे अगर यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें नो सर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं
जी नो सर। चलें ठीक है, हम कुछ देर में दोबारा मिलते हैं और फिर हम इसको कोडिंग फॉर्म में इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है? थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।